तो ये बेसिकली एक सफ़र है, आज के युवाओं की एक कहानी है, चार दोस्तों की कहानी है। इस फिल्म में बेसिकली चार दोस्त दिल्ली से हिमाचल निकलते हैं एक रोड ट्रिप पर, और उनका गोल है एम क्रीम। वो एम क्रीम की तलाश में निकलते हिमाचल के गांव में, एक बहुत ही मिस्टीरियस और स्पेशल चरस ड्रग है जो आज के नौजवानों में बहुत ही मशहूर है, फेमस है। और बेसिकली इस फिल्म में हमने ये चार विद्यार्थियों के माध्यम से बदलाव की मानसिकता और चाह को समझने का एक छोटा सा प्रयास किया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि आज के इंडिया में एक नया जनरेशन, एक न्यू जनरेशन है, और उनकी सोच कुछ अलग से है, उनका वो बदलाव की मानसिकता है, और ये बहुत ही इश्यूज़ लेकर हमने ये फिल्म को एक्सप्लोर किया, और जो रिबेलियन है, यूथ का रिबेलियन, उसको भी एक्सप्लोर किया। ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, हमारा कास्ट भी इतना अच्छा है, लॉट ऑफ पीपल हैव बीन वेरी एक्साइटेड। तो इसमें में कुछ नए नए फ्रेश एक्टर्स हैं, जैसे इमाद शाह, नसीरुद्दीन शाह का बेटा, ईरा दुबे, दोनों इमाद और ईरा एक थिएटर बैकग्राउंड से हैं, और कुछ बहुत ही लोकप्रिय कलाकार भी हैं, जैसे टॉम ऑल्टर, बैरी जॉन, लूशन दुबे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कास्ट है, बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग से फिल्म है, कुछ ऑफ बीट फिल्म है, और आई थिंक ये यूथ के साथ कनेक्ट होगी, और आई मीन टुडे के हिसाब से तो बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है, बहुत ही एक्साइटिंग रिस्पॉन्स। नहीं बिल्कुल, आई थिंक दैट बेसिकली ये फिल्म, आई मीन पहले तो हमने काफ़ी फिल्म फेस्टिवल्स में भी दर्शाई है फिल्म, और बहुत सराही गई है वहाँ पर भी। ये फिल्म रोड आइलैंड में प्रीमियर हुई थी, वहाँ हमें बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ। और आई थिंक बेसिकली डायरेक्शन के हिसाब से आई थिंक मेरा जो विजन था बहुत ही, आई थिंक आई वांटेड अ वेरी ओरिजिनल विजन, और बहुत ही साइकली ये काइंड ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफ जो आर्ट हाउस फिल्म है, जो जॉनर्स है, उसके बीच में है ये फिल्म। तो आई थिंक बेसिकली मेरे लिए बहुत ही स्पेशल फिल्म है, बहुत ही ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म है। थैंक यू। आज दूसरी बार स्क्रीन अवेट की इंडिया विजय के लिए, खासतौर पर
दिया मिर्जा? हमको नहीं पता, दिया मिर्जा मिर्जा के लिए है. डोंट आस्क दिस क्वेश्चन. या दिया मिर्जा के लिए स्क्रीनिंग रखा है? या इट्स नॉट कंफर्मड. आज दूसरी बार स्क्रीनिंग रखी है जी. क्या बात क्या है? बात क्या है, मतलब आज तो एक्चुअली पिक्चर रिलीज हो रही है तो हमने सोचा सेलिब्रेट करना चाहिए. जैसे सब लोग को पता है 3 साल हो गए हैं फेस्टिवल्स में गई है पिक्चर, बहुत मतलब इंटरनेशनली अक्लेम मिला है और फाइनली वी आर रिलीजिंग द फिल्म इन इंडिया. सो वी आर वेरी थ्रिल्ड. तो इसलिए हम स्क्रीन रखे हैं आज. जब 4 साल लगता है किसी फिल्म को बनने में और रिलीज होने में तो कम से कम 2 स्क्रीनिंग तो बनता है. जी सभी जितने भी थैंक यू. उसके बारे में हम क्या बताएं? बिकॉज एक्चुअली हमारे डायरेक्टर को थैंक करना चाहिए, अग्नेश सिंह को. एक्चुअली द फैक्ट इज ऑल ऑफ अस हैव डन थिएटर इन आवर बैकग्राउंड. सो जब हम सब एक थिएट्रिकल बैकग्राउंड से आते हैं तो हम सब एक पेज पर हैं कि हमें स्टोरी बतानी है और एक दूसरे को वन अप नहीं करना है. इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ स्टार इन दिस फिल्म, इट्स अबाउट बीइंग एक्चुअली अ कोलैबोरेटिव परफॉर्मर एंड वी ऑल रियली वर्कड वेल ऑपोजिट ईच अदर एंड इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस देयरफॉर. बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली. जो सपोर्ट हमको 3 साल में जो सपोर्ट मिल रहा है फेसबुक से, सोशल मीडिया से, जो भी सपोर्टर्स हैं, फैंस हैं, उनका हम बहुत शुक्रिया अदा हैं बिकॉज दे रियली स्टूड बाय अस एंड सपोर्टेड द फिल्म एंड नाउ आई गेस इट विल ऑल कम टुगेदर. थैंक यू.